स्वागत है दोस्तों आपके एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहरुख खान की फिल्म पठान, सलमान भाईजान की फिल्म टाइगर 3, सनी देओल की गदर 2 और ऋतिक सर की फाइटर के पहले दिन के इंडियन और बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टाइगर 3, पठान, गदर 2 और फाइटर। इन चारों मूवीज़ ने में से किस मूवी का रिव्यूज रिएक्शन अच्छे आए थे, किस मूवी बॉक्स पे बाजी मारी और इन चारों मूवीज़ में से कौन सी मूवी आगे जा पाएगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वहीं पे बात करेंगे फाइटर ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स पे कितनी कमाई की, बॉलीवुड से कितना कलेक्शन किया, फाइटर ने किस किस मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो बस आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बेनती, अगर आप ऋतिक सर की डाइन फैंस हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना टाइगर 3, पठान, गदर 2 और फाइटर, इन चारों में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें सलमान भाईजान की फिल्म टाइगर 3 का बजट था 300 करोड़, शाहरुख खान की फिल्म पठान का बजट था 250 करोड़, जबकि गदर 2 का बजट था केवल 90 करोड़, जबकि फिल्म फाइटर का भी बजट 250 करोड़ है। गदर 2 ने 200 अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स पर हिंदी बेल्ट में 40 करोड़ की ओपनिंग ली और वर्ल्ड वाइड से 256 करोड़ की कमाई की। सलमान भाईजान की फिल्म टाइगर 3 अपने पहले दिन 245 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड से 94 करोड़ की ओपनिंग ली। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने अपने पहले दिन हिंदी बेल्ट में 55 करोड़ की कमाई करके इंडियन आ लिंक्स में 57 करोड़ की कमाई की और 200 पठान ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से 106 करोड़ की कमाई की। अगर बात करें दोस्तों ऋतिक सर की फाइटर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, ऋतिक सर की फाइटर फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स पर हिंदी बेल्ट में 29 करोड़ की कमाई करने में सफल हो पाई। ऋतिक सर की फाइटर अपने पहले दिन इंडियन ग्रॉस कलेक्शन में पूरे 36 करोड़ की कमाई करने में सफल हो पाई है। दोस्तों फाइटर ने अपने पहले दिन ओवरसी मार्केट बार्क विदेश से पूरे 15 करोड़ की कमाई की और फिल्म फाइटर 200 अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से पूरे 54 करोड़ की कमाई करने में सफल हो पाई है। दोस्तों इस बात में 100% गारंटी है कि फिल्म फाइटर जो है सनी देओल की गदर 2, सलमान भाईजान की फिल्म टाइगर 3, शाहरुख खान की फिल्म पठान के ओपन डेज के रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम रही है। वेल अगर बात करें फिल्म जो है जिस तरह के फिल्म के रिव्यूज़ और रिएक्शन आए हैं, फाइटर फिल्म सलमान भाईजान की फिल्म टाइगर 3 और गदर 2 को पीछे छोड़ रही है। चाहे पठान से अच्छे रिव्यूज़ फाइटर को नहीं मिले, लेकिन फाइटर रिव्यूज़ और रिएक्शन और बॉक्स ऑफिस की रेटिंग के मुताबिक इन चारों मूवीज़ में से नंबर 1 मूवी जो पठान का हासिल कर चुकी है। नंबर 2 पे फाइटर आती है, नंबर 3 पे गदर 2 आती है और नंबर 4 पे आती है टाइगर 3 रिव्यूज़ और रिएक्शन के हिसाब से। और जिस तरह के फाइटर के अच्छे रिव्यूज़ और रिएक्शन आ रहे हैं, मे भी फिल्म फाइटर जो है सलमान भाईजान की फिल्म टाइगर 3 को लाइफ टाइम पीछे छोड़ेगी और सनी देओल की गदर 2 को भी फाइटर लाइफ टाइम वॉलीवुड से 700 करोड़ प्लस कमाई करके पीछे छोड़ देगी। पीछे अगर बात करें फिल्म फाइटर जो है शाहरुख खान की फिल्म पठान के रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम रहेगी, क्योंकि पठान फिल्म में लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में 524 करोड़ की कमाई करके वॉलीवुड से 1055 करोड़ की कमाई की थी और मुझे ऐसा नहीं लगता कि फाइटर लाइफ टाइम वॉलीवुड से 1000 करोड़ से ऊपर जा पाएगी। वेल दोस्तों फाइटर फिल्म लाइफ टाइम वॉलीवुड से 600 से लेकर 700 करोड़ की कमाई करके बॉक्स पर एक सक्सेस सुपरहिट एंड हो सकता है ब्लॉकबस्टर मूवी बनने का टैग अपने नाम के ऊपर लगवा ले। अगर फाइटर सिनेमा हॉल में हिस्टोरिकल 2 मंथ कंप्लीट कर लेती है तो तभी जाके फाइटर जो बॉक्स पे ब्लॉकबस्टर मूवी बनने का टैग अपने नाम के ऊपर लगवाएगी। वेल जिस तरह की हमको ओपनिंग रिकॉर्ड देखने को मिला है, फाइटर को पहले दिन कम से कम 40 से 45 करोड़ की कमाई करनी चाहिए थी, लेकिन फाइटर की एडवांस बुकिंग ने सबको डिसअपॉइंट किया है और फिल्म तो बहुत अच्छी निकल गई। जिस तरह से हमने ट्रेलर देखा था उससे फिल्म कहीं ज़्यादा अच्छी निकली है। सेम टू सेम जो रेटिंग मिली है फाइटर को वो शाहरुख खान की पठान के बराबर है और इस बात में कोई शक नहीं है। ऋतिक सर की सबसे नंबर वाली कमाई करने वाली फिल्म वार है, जिसने इंडियन बॉक्स पे 318 करोड़ की कमाई की थी और क्रिश 3 ने 244 करोड़ की कमाई की थी और मे भी हो सकता है फिल्म फाइटर जो है वार मूवी के 318 करोड़ के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दे, फिल्म फाइटर क्रिश 3 का रिकॉर्ड तोड़ दे और हिंदी बेल्ट में 400 करोड़ की कमाई करके ऋतिक सर के कैरियर की नंबर 1 ऑल टाइम सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी बनने का टैग अपने नाम के ऊपर लगवा ले। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई वो 100% रियल है। आपसे एक ही विनती, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी आपके लिए कुछ खास। तब तक गुड बाय, टेक केयर।